Hey guys, welcome to Basic Art School. Main hoon Farooq Khanousia and ye hai Blender series. And today we will create this. तो चलिए चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में एंड सीखते हैं ब्लेंडर को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट ए मैश एंड प्लेन को क्रिएट करो। एस प्रेस करके एंड कंट्रोल प्रेस करके इसकी साइज को मैं डबल कर देता हूँ। देन टैब प्रेस करके एडिट मोड राइट क्लिक करके सब डिवीजन को ऐड करो। शिफ्ट आर प्रेस करके इसको मल्टीपल टाइम अब सब डिवीजन को ऐड कर सकते हो। देन टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड एंड यहाँ से स्कल्प्टिंग टैब पर क्लिक करो। एंड जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसे हमें यहाँ से मास्क करना है, सो इस मास्क टूल को सिलेक्ट करो। यहाँ से स्ट्रेंथ को मैक्सिमम कर दो एंड यहाँ पर मिरर को एक्स एंड वाई को अनेबल कर दो ताकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक जगह पर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक्स एंड वाई में वो ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा। कंट्रोल जेड एंड यहाँ से रेडियस को आप सेट कर सकते हो। अभी फिलहाल मुझे सेंटर पे मल्टीपल टाइम क्लिक करना है, सो यहाँ पर मैंने इतना मास्क कर दिया। एंड अगेन 7 प्रेस करके टॉप व्यू से यहाँ पर से आप और मास्क को ऐड करो। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर प्रेस करके इस तरह से आप इसको चारों साइड में मास्क को ऐड कर सकते हो। देन यहाँ से क्लोथ फिल्टर को सिलेक्ट करो एंड इसकी प्रॉपर्टी में ग्रेविटी की जगह पर इन्फ्लेट को सिलेक्ट करो। स्ट्रेंथ यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 0.3 का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी किसी और सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसे मूव करो। जैसा साइज आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ से लेआउट में एंड इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को आप अप्लाई करके इसे स्मूथ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ अनेबल कर दो। सो इंटीरियर डिज़ाइन में चेस्टर सोफ़ा एंड बेड के पीछे का जो डेकोरेटिव पैनल होता है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको इसे स्केल करना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसकी हाइट को कम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसे मुझे मल्टीपल टाइम कॉपी करने के लिए इसकी साइज़ को मुझे ठीक करना होगा। सो यहाँ पर 7 प्रेस करो एंड एडिट मोड में फिलहाल मैं इसे सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर को ऑफ कर देता हूँ। इसमें से 4th पार्ट को ही यूज़ करना है, सो 3 प्रेस करके इसमें से किसी भी एक ऑल्ट प्रेस करके फेस लुक को सिलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो फेसेस। एंड उसके बाद यहाँ पर अगेन एक और ऑल्ट प्रेस करके फेस लुक को सिलेक्ट करो एंड डिलीट फेसेस। कंट्रोल एंड प्लस प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर दो एंड डिलीट फेसेस। फिलहाल हमारे पास कुछ इतना पार्ट यहाँ पर बचा है। एडिट मोड एंड 2 प्रेस करके ऑल्ट से यहाँ पर क्लिक करके आप एज लुक को सिलेक्ट कर दो। फिलहाल ये एक्स डायरेक्शन है, तो एस एक्स एंड 0 प्रेस करके आप इसे स्ट्रेट बना सकते हो। एंड उसके बाद आप इसे जी प्रेस करके इसे बाहर की ओर बट एक्स प्रेस करके इसे यहाँ पर मूव कर दो। उसी तरह यहाँ पर भी ऑल्ट एंड क्लिक से एज लुक को सिलेक्ट करो। फिलहाल ये वाई डायरेक्शन है, सो यहाँ पर एस वाई एंड 0 प्रेस करके इसे स्ट्रेट कर दो। देन जी एंड वाई प्रेस करके उसे यहाँ पर बाहर की ओर मूव कर दो। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस है एज लूप में, तो यहाँ पर आप कंट्रोल आर प्रेस करके कुछ एज लूप को ऐड कर सकते हो। एंड उसी तरह इस साइड में भी कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर कुछ एजेस को ऐड कर दो। टैब प्रेस करो तो फिलहाल ये शेप हमारा कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अभी टॉप व्यू में 7 प्रेस करो एंड इसका पिवोट जो है उसे ओके। सो बाकी के इन दो साइड में भी हमें इसे ठीक करना है, सो टैब प्रेस करके यहाँ पर ऑल्ट एंड क्लिक से एज लूप को सिलेक्ट करो। अगेन ये भी एक्स है, सो यहाँ पर एस एक्स एंड 0 से इसे स्ट्रेट कर दो। एंड उसी तरह इस साइड में भी ऑल्ट से क्लिक करो एंड ये वाई डायरेक्शन है, तो एस
Y एंड 0 से आप एज लूप को स्ट्रेट कर दो। अभी यहाँ पर थोड़ा सा लूप को स्ट्रेट करने में यहाँ से थोड़ा सा वो क्रॉस है, तो यहाँ से मिरर का X एंड Y का वैल्यू को ऑफ कर दो, एंड जैसे कि अगेन यहाँ पर आप S Y एंड 0 प्रेस करके इसे स्ट्रेट कर दो। थोड़ा सा इसे बाहर की ओर मूव करते हैं ताकि यहाँ से परफेक्ट फेस क्रिएट हो जाए। इतना कंप्लीट करने के बाद अभी यहाँ से मुझे पिवोट को सेट करना है, तो जैसे कि कंट्रोल एंड डॉट प्रेस करके यहाँ पर आप इसे अनेबल कर सकते हो, एंड यहाँ से मैं स्नैप को अनेबल करता हूँ, एंड यहाँ से स्नैप टू वर्टेक्स को अनेबल कर दो, एंड जैसे कि मैं इसे यहाँ पर स्नैप कर देता हूँ, जूम इन करके यहाँ से वाई में से भी इसे यहाँ पर स्नैप कर दो, देन कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसे डिसेबल कर दो, 7 प्रेस करके ऑल्ट जी से आप इसे ग्रिड के सेंटर में अब मूव कर सकते हो। इतना कंप्लीट होने के बाद मॉडिफायर में से मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करो, यहाँ से एक्स एंड वाई की एक्सिस को अनेबल करके इसे कुछ इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल ये एक क्रिएट हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ से एरे मॉडिफायर को अप्लाई करो, एंड इसके बाद आप यहाँ से मल्टीपल टाइम इसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया काउंट को 10, एंड यहाँ से एक और एरे मॉडिफायर को अप्लाई करो, अभी फिलहाल इसमें एक्स फैक्टर को 0 करके वाई फैक्टर को 1 कर दो, एंड यहाँ से भी 10 काउंट को अप्लाई करो। तो फिलहाल कुछ इस तरह से हमने इसे क्रिएट किया है, एंड यहाँ पर जो लाइंस है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली मर्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप मर्ज को अनेबल करो, एंड इवन ऊपर के एरे में से भी मर्ज को अनेबल करो। तो यहाँ से अभी वो ठीक हो चुका है, यानी कि जो एजेस डिसकनेक्टेड थे वो कनेक्ट हो चुका है। सो इस तरह से आप ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मटेरियल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।